आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और आप देख रहे हैं स्टे फिट स्टे हैप्पी विद सलमान एंड कविता। बात हम फिटनेस की करते हैं, बात हम आपके हैप्पी होने की करते हैं और बात करते हैं आपके एक्सरसाइज की। कई दिनों से हम आपको कई सारी एक्सरसाइज बता रहे हैं, लोगों के फीडबैक भी हमें बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं और लोगों की क्यूरियोसिटी बढ़ रही है, लोग जानना चाहते हैं, लोग बात करते हैं एक्सरसाइज से संबंधित कई जानकारियां चाहते हैं। चूंकि हम तो उसके एक्सपर्ट हैं नहीं, हमारे साथ उसके एक्सपर्ट हुआ करती हैं कविता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। कविता जी आप हमारे साथ आए और आज हमारे साथ कविता जी कुछ नए स्लो मोशन में आई है। कविता जी कई एक्सरसाइजेज जो आपने मुझे बताई थी, ये टमी की और थाइस की, कल थोड़ी सी प्रैक्टिस जो की थी हमने, वो क्या कहते हैं उसे आपने बताया था, कल हमने ट्विस्ट किया था, ट्विस्ट का कुछ असर लग रहा है, कुछ थोड़ी सी दर्द वगैरह सा महसूस हो रहा है, क्या होगा तो ये दर्द मीठा मीठा प्यारा प्यारा ज़रूरी है एक्सरसाइज में या बिल्कुल ये एक्सरसाइज का हल्का सा आपको पता चलेगा कि आपने कल अच्छी खासी एक्सरसाइज करी है तो ये उसका है। और अभी आपने देखा कि मैंने कैसे स्लो मोशन में आई, मतलब ये था कि कल जैसे हमने आपको खूब ट्विस्ट कराया, तोड़ मरोड़ किया है जी, तो आज थोड़ा सा आराम देंगे, आराम से करेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि आराम से करने का मतलब ये नहीं कि हम लोग बहुत हल्की फुल्की एक्सरसाइज करेंगे उतनी ही। एक हम आपको बताते हैं, हमारी अपनी सहयोगी शीतल शर्मा हमारे साथ है, उनको कुछ फीडबैक्स मिले ट्रेन में महिलाओं के। हमारे साथ में शीतल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शीतल हमारे साथ जुड़ गई हैं। शीतल जी कुछ आपको एक्सपीरियंस मिले, लोगों के फीडबैक मिले, आपको अपने स्टाफ से मिले, अपने सहेलियों से मिले जिन्होंने शो देखे। ऐसी बात है कि जिस तरह से लोग मुझे मिलते हैं ट्रेन में, उनका सबसे पहला रिस्पॉन्स था अच्छा आज का टिप्स क्या होगा, जो मुझे खुद को नहीं पता होता कि नेक्स्ट क्या होने वाला होता है, वो सारा सारा कविता जी को पता पूछ लेते हैं। हाँ एंडिंग में कभी कभी मैं तो आपकी सहेली एक कुल मिला के देखती है। हाँ देखती है, बिल्कुल देखती है। कविता जी से उनको क्या चाहिए होता है? सबसे पहला तो उनको ये अच्छा लगता है कि जैसे ये कहती है आप कुछ भी खा सकते हो कि हाँ मुझे किसी चीज की रोक टोक नहीं है, मैं जो चाहती हूँ खा लेती हूँ। और लोगों ने इसको ये बना लिया है कि खाने में कटौती की जाए, ये ना खाओ, फला चीज ना खाओ, फला ना खाओ, फला चीजें छोड़ दो। तो कविता जी इसलिए साधुवाद का पात्र हैं कि ये खाने को कहती हैं। और खाने से परहेज करना अमूमन भारतीय टेंडेंसी रही नहीं, जब आपका वजन बहुत बढ़ जाता है, जब डॉक्टर कहता है कि थोड़ा परहेज करें, तब जबान पर लगाम दी जाती है। तो ये बताएं कि आप महिलाएं खासकर वो जिम जाने को लेकर, स्विमिंग जाने को लेकर, योगा जाने को लेकर, एरोबिक्स की अलग अलग क्लासेस जो भी होती हों वहाँ जाने के लिए लेकर, एक घरेलू आप बच्ची हैं, साथ में आप वर्किंग भी हैं, क्लास में आती हैं, कई चीज़ों को आप देखती हैं, तो क्या पाती हैं, क्या सोचती हैं महिलाएं? एक्चुअली ऐसा होता है कि ज़्यादातर महिलाएं पैसे बचाने की बात कहती हैं, जो उनकी घरेलू स्थिति में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन इस एक्सरसाइज को देखते हुए जिस तरह से रिस्पॉन्स आ रहा है, उनका फर्स्ट रिस्पॉन्स ये होता है कि आपको किसी चीज़ का परहेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो सबसे पहला ये रिस्पॉन्स होता है। दूसरा, आपका अगर आप सोचते हो कि आपको जिम जाना है तो वहाँ पे भी एक तरह से आपका पैसा बच जाता है कि चलो आप जिम जाने की पैसा बचाना, पैसा बचाना, एक गृहिणी समझ सकती है कि पैसों को किस तरह से बचाया जाए। और पहले दिन से हमारी टिप ये है कि अगर आप जिम जाते हैं, आपका शौक है और आपको हैवी एक्सरसाइजेस वगैरह करनी है, आपको इक्विपमेंट के साथ करने हैं, आप जिम से हम किसी को हमने ये नहीं कहा कि आप न जाएं, बल्कि हमने दो जिम में जाने वाले लड़कों को और वेल टोन्ड बॉडी जिनकी रही है, ऐसे लोगों को हमने बुलाया भी अपने साथ और उनको भी एक्सरसाइजेस के टिप दिए, तो नहीं जाने का कोई सवाल नहीं। लेकिन शीतल ने एक बहुत अच्छी बात कही कि पैसे बचाना उनकी प्राथमिकता होती है, तो आप पैसे भी बचाएं और घर पर ही क्यों एक्सरसाइज करें, तो हम आपके बुद्धू बक्से के जरिए आपके पास ले आए हैं एक्सरसाइजेस के टिप कविता जी के जरिए। तो दूसरी चीज़ शीतल, आप कुछ और कहना चाहेंगी, एक लोगों के जो फीडबैक आपको मिलते हैं उसके आधार पर कुछ चाहेंगी कि कविता जी उस तरह की टिप्स महिलाओं को पास करते हैं या इन जनरल पुरुषों महिलाएं हों, उनको, बच्चों को, यूथ को, टीनेज को कोई टिप देना चाहें, जो आप चाहती हो, जो आपको फीडबैक मिला हो और वो कविता जी के जरिए हम देना चाहें? ज़्यादातर जो वर्किंग क्लासेस होते हैं उन लोगों को बैठे बैठे काम करना होता है जी,
तो उनका यही कहना होता है कि चलो ठीक है, हम चलते वक्त कोई भी एक्सरसाइज कर लेंगे, जिस तरह से हमारे प्रोग्राम में बताया जा रहा है, लोग उसको उसका रिस्पांस भी दे रहे हैं, उस तरह से कर भी रहे हैं जी। लेकिन एक जगह सीट पर बैठे बैठे वो काम कैसे किया जाए, तो उस पर भी कोई आइडिया ज़रूर पूछना, इस तरह से मुझे लगता है कि पूछा जाता है कि घर में आप वर्किंग क्लास हैं, आप कुर्सियों के पर बैठी हैं, चेयर्स पर बैठ कर टेबल पर बैठी हैं, वो एक एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। तो शीतल जी, और कुछ हमारे दर्शकों को बोलना चाहिए, क्योंकि आज हमारी आप गेस्ट जी। जिस तरह से अभी ये प्रोग्राम चल रहा है, मैं तो चाहती हूँ कि हर एक एक नया नया कुछ ऐसा टिप्स बताया जाए जो हम लोगों के साथ साथ जो महिलाएं हैं जो घर में बैठे बैठे करती भी हैं और उसका रिस्पांस भी उनको अच्छा मिलता है जी। ये कविता जी, इस आउटफिट में एक्सरसाइज अमूमन लोग नहीं करना चाहते, तो वो आप क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, जैसे शीतल मैंने कहा कि हमारे ज़्यादातर आप देख सकते हैं कि लेडीज़ है या सलवार कुर्ता पहने होती हैं, साड़ियाँ खैर आजकल बहुत कम हो गई हैं लेकिन सलवार कुर्ता बहुत कॉमन है, राइट? तो इसमें भी कर सकती हैं। बिल्कुल सलवार कुर्ते भी, और जैसे कि अभी इस वक्त हम लोग कॉन्क्रीट पे नहीं, हम लोग ग्रास पे हैं, हम लोग सॉफ्ट सरफेस पे, तो शीतल ने जो अभी जो सैंडल पहने उसमें भी, सिंस ये हील नहीं है फ्लैट है तो इसमें कर सकती है। अगर कॉन्क्रीट होता तो हाँ मैं थोड़ा सजेस्ट करती कि सलवार कुर्ता बेशक हो लेकिन नीचे शूज़ होने चाहिए, बट सिंस ये सॉफ्ट सरफेस है तो ये भी इनफैक्ट चलेगा अगर आप कंफर्टेबल है। और मज़े की बात है कि आज जो हमने हमारा टॉपिक भी चुना था वो था आप बहुत स्लोली स्लोली इफेक्टिव वर्कआउट कैसे, तो हम कोशिश करेंगे कि आपके ज़रिए इन चीज़ों को बताएंगे किस तरह से आप उन एक्सरसाइज कर। शीतल, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और फीडबैक देने के लिए हम ज़रूर फिर एक बार आपके साथ और आपके साथियों के साथ हमारे और भी न्यूज़ की अलग अलग टीम को जो फीडबैक्स मिल रहे हैं और उनके ज़रिए क्या उनकी क्वेरीज हैं और वो भी फिट रहें, ये हमारी कोशिश होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने। ये थी हमारे साथ शीतल शर्मा, हमारे असिस्टेंट प्रोड्यूसर, कई चीज़ें उन्होंने बताई, एक भारतीय गृहिणी, एक युवा जो वर्किंग क्लास है, जाते हैं ऑफिस जाती हैं, उनकी कुछ टिप्स वो भी मांग रही थी, तो क्या चाहती हैं, कैसे देना चाहेंगी आप, क्या कहेंगी उसके लिए? वही हम इससे जिससे बात कर रहे थे कि अगर आप ऑफिस भी जा रहे हैं या आपने सलवार कुर्ता भी पहना है तो आप अभी थोड़ी देर पहले जैसे हमने जिक्र किया कि आजकल कॉर्पोरेट जो माहौल हो गया है तो वहाँ पर इस तरीके की जगह आपको बीच में ब्रेक में ज़रूर मिल जाती है, जो पार्क में इस तरह का जो पार्किंग होता है तो आप वहाँ जा सकते हैं। और अगर जैसे कि मैंने कहा कि आज हम आपको स्लो वर्कआउट दिखाएंगे लेकिन इफेक्टिव वर्कआउट दिखाएंगे, तो आपने चप्पल पहनी है अगर आप उसमें कंफर्टेबल हो तो उसमें भी कर सकते हैं उस वर्कआउट को, और लेकिन सरफेस उसके लिए थोड़ा आरामदेह हो, ये सॉफ्ट हो, कि आज बहुत स्लो वर्कआउट है तो उसको हम अगर आप ऑफिस में हैं तो भी आप कर सकते हैं जी, वर्कआउट को जी। और सलमान जी, लोग क्या सोचते हैं अगर उन्होंने बहुत स्पीड में ये वर्कआउट किया तो बहुत अच्छा वर्कआउट हो गया, स्पीड लोगों को लगता है स्पीड में होना जरूरी है, बहुत जरूरी है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी कि हफ्ते में एक दिन आप ये स्लो वर्कआउट जरूर करें, आज जो हम आपको बताने वाले स्लो वर्कआउट उसे आप हफ्ते में एक दिन अपने एक्सरसाइज के रूटीन में जरूर आप उसको लेकर आए, क्योंकि एक तो स्लो वर्कआउट करने से आपको, आप देख सकते हैं कि आपके एक एक मसल्स को आपको स्ट्रेन पड़ेगा, उसके साथ साथ आपकी बॉडी पर कंट्रोल आएगा आपको, क्योंकि आज यूजुअली वार्म अप तो हमारा वही होता है जो नेक का हम वार्म अप करते हैं, और थोड़ी देर पहले जैसे शीतल ने भी पूछा था कि आप बैठे बैठे क्या कर सकते हैं बिकॉज बहुत देर तक बैठे रहना पड़ता है, तो ये एक्सरसाइज ज़रूर करें बिकॉज ज़्यादातर नेक प्रॉब्लम नेक पे ही जी, नेक और कमर जी हाँ दो जगह पर आपके जोर ज़्यादा पड़ता है बैठकर काम करने वालों को जी, तो ये नेक की प्रॉब्लम आप को नहीं होगी अगर आप ये स्लोली स्लोली अगेन एक बार फिर से रिमाइंड करा दें, ऐसे नहीं बल्कि बहुत स्लोली एंड जेंटली आपको रोटेट करना, थोड़ा सा आगे देन पीछे, मुँह को खुला रखना, थोड़ा सा साइड से, और इसके बाद हम यूजुअली क्या करते हैं सलमान जी, तो हमने ये स्टेप हमने शुरू किए थे लेकिन आज हम स्टेप की जगह पर आप देखिएगा कि हम जो स्लो वर्कआउट करने जा रहे हैं उसे हमें इतना स्लो लिफ्ट अप करना था, स्लो मोशन वेरी स्लो जी, वाह, इसको आप कम से कम अगर आप 15 अगर आपने कर ली तो आप समझ सकते हैं कि आप कितना ज़्यादा प्रेशर, वेरी स्लो जी, नहीं पड़ रहा है पैरों पर काफ़ी, सर आप समझिए कि लिफ्ट हमारे जो लेग्स होते हैं सलमान जी बहुत हैवी होते हैं बिकॉज सबसे बड़े मसल ग्रुप हमारा यहाँ पर होता है जी, तो जब आप पूरा एक तरह की वेट लिफ्टिंग आप कर रहे होते हैं, जब आप अपने पैरों को स्लोली स्लोली आप जब लिफ्ट करते हैं आप, तो क्या इसे ऊपर ले जाकर कुछ रोकना होता है?
नहीं रोकना नहीं, सिर्फ स्लोली स्लोली इसको ऊपर लेके जाना है, ऊपर लेके अगर हाँ अगर आपको कंट्रोल रखना है थोड़ा सा आप रोक सकते हैं, लेट देम, बट अगर आप रिपीटेशन में कर रहे हैं तो डू इट 20, एक साथ जब आप 20 करेंगे इसको तो आप देखेंगे कि आपको धीरे धीरे सांस भी चढ़ने लगेगा, इनफैक्ट बहुत स्लो स्लो आप वर्कआउट अभी से चढ़ रही है सांस का चढ़ना जी, ये हैवी एक्सरसाइज जैसी ही लग रही है exactly. एक थोड़ा सा खाली कहने के लिए स्लो हो गया क्योंकि आप अपने शरीर के जैसा कि कविता जी ने बताया आपके इन हिस्सों के मसल्स ज़्यादा हैवी होते हैं तो आप अगर उसे धीमे धीमे करेंगे तो यूँ लगता है जैसे आप उसे जोर देकर आप उठा रहे हैं और फिर जोर दे रहे हैं, और अगर रोक उतनी देर पर रोकना भी आपको मसल्स में तनाव आ रहा है और कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि आपकी बॉडी जी यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, इस तरफ मिल रही है, यहाँ तक भी उस पर जोर पड़ रहा है जी। तो हम वेरिएशन बताएंगे, एक तो हमने ये वाला वेरिएशन किया है जी, ये किया। दूसरा वेरिएशन आप पैरों को आगे लेकर जाएं, घुटने मुड़े हुए हों, देन लिफ्ट अप, पैरों को आगे लेकर जाएं एंड देन लिफ्ट अप, और थोड़ा सा आगे फिर एंड देन लिफ्ट अप, ये घुटने को मोड़ के रखना है जी। दस करना बहुत मुश्किल होता है सलमान जी, जी जी ये समझ में आ रहा है, बताना बहुत आसान होता है करना बहुत मुश्किल। आपको लगा कि हम बहुत स्लो स्लो वर्कआउट करें, जैसे शीतल ने अभी इस वक्त सलवार कुर्ते वगैरह पहन रखे थे तो आप सलवार कुर्ते में इसको बहुत आसानी से कर सकते हो और एक बहुत अच्छा वर्कआउट आपको यहाँ मिल सकता है। फिलहाल भी हमारे साथ शीतल जुड़ी हुई, अगर वो चाहें इस एक्सरसाइज को दोहराना तो हम शीतल को चाहेंगे कि हमारे साथ कैमरे में आ जाए, अगर कर सकती हैं शीतल करना चाहें तो। शीतल से ही पूछेंगे कि उन्हें कैसा इफेक्ट लगता जी, है। जी हाँ जी हाँ, एक ये भी बेहतर चीज़ हो जाएगी शीतल। यहाँ पर एक थोड़ा सॉफ्ट जगह दे दें क्योंकि शीतल के ने उस तरह के शूज़ नहीं पहने हैं। एक हम आपको बता दें कि देखिए बिल्कुल इसमें हम किसी तरह के औपचारिक कार्यक्रम को रूप नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल अनौपचारिक जैसा कर दे रहे हैं। शीतल हमसे विदा ले चुकी थी लेकिन चूँकि आपके लिए इस शो को हम ले आए हैं, एक नई तरीके का डिज़ाइन किया है, आपकी बातें भी हो, लोगों की भी बातें हो। शीतल हमारे साथ थी, आप देखिए कि वो जिस तरह से सिंपली कोई बच्ची ऑफिस जा रही हो, काम पर जा रही हो, बिल्कुल उसी यूनिफॉर्म में आती है वो, और हमारे साथ में है कविता जब टिप दे रही है तो आपके पास कोई बहाने नहीं है कि आज मैंने शू नहीं पहने, ट्रैक शू आज मैंने नहीं पहने, आज मैंने ट्रैक सूट नहीं पहना, तो ये एक तरह की इसमें कोई बहाना आपके पास काम नहीं करता है। तो अब आप शीतल से एक गृहिणी के साथ हो, आपके साथ एक महिला हो, आप कॉलेज गोइंग बच्ची हो या फिर नया नया जॉब करने वाले लोग हों, वो काम की थकान भी होती है, स्ट्रेस भी होता है और फिर शारीरिक की गतिविधियाँ होती हैं, टेबल पर बैठना, कंप्यूटर पर बैठना, कीबोर्ड पर काम करना, कुछ लिखना, बस उतनी ही एक्टिविटी होती है। तो क्या देना चाहेंगी शीतल के माध्यम से? शीतल सबसे पहले तो नेक को हम रोटेट करें, मुंह खुला रखना है शीतल, वेरी गुड। उसके बाद फिर दूसरे साइड रिवर्स, उसको रिवर्स को भाई, वेरी गुड। कंधों को एकदम नॉर्मल रखिए, देन फ्रंट एंड बैक, बहुत ज़्यादा एकदम खींचना नहीं करना, हल्का गुड। तो ये आप बैठे बैठे ज़रूर, जब भी बहुत लॉन्ग आवर्स हो जाते हैं और लोगों को भी बताएं, और लोगों को भी बताएं, बताना है कि आपको कैसे किस तरीके से आपको, और अपने लोगों को ये वर्कआउट करते हुए देखा होगा फास्ट जॉगिंग करते हुए। आज जो हम कर रहे हैं मैं चाहती हूँ कि आप उसे रिपीट करें और आप खुद फील करें कि यहाँ पर यहाँ आपको जोर कहाँ पड़ रहा है, आप ही सीधे और जितनी स्पीड में मैं कर रही हूँ उतना स्लो करना, ठीक है? बहुत स्लोली फुल पैर लिफ्ट अप करें, स्लोली एंड डाउन। हम यहाँ पर इस वक्त 10 करेंगे, then lift up slowly and down, good, zor pad raha hai us par, okay, zor lift up and down, this is good, 2। जब आप पैर उठाएं तब सांस छोड़ें, बिल्कुल सलमान जी एकदम करेक्ट, जब हम पैर लिफ्ट अप करेंगे तो हम एक सिंपल फॉर्मूला हमने बताया हुआ है कि जब भी आप शरीर के जिन अंग पर जोर दे रहे हो उस वक्त आपको ब्रीद आउट करनी है जी। पैर को बिल्कुल उसी फॉर्म में छोड़ना भी है, स्लोली स्लोली
कंट्रोल इसमें जिस तरह से हमने उठाया उसी तरह से थ्री मोर ये आप देख सकते हैं कि पैरों पर कई पैरों के कई हिस्सों पर इसका जोर पड़ रहा है बिल्कुल जी अब शीतल बताएं बैक साइड पे और जो थाई है उस पे ऐसा लग रहा है कि मतलब उठाया नहीं जा रहा उससे है ना हाँ स्ट्रेच ज्यादा लग रहा है यानी काम कर रही है वो हिस्सा शरीर का काम कर रहा है यानी उसकी एक्सरसाइज हो रही है ना जी बिल्कुल तो जब हम फास्ट भी करते हैं हमारा मकसद ये होता है कि हम थाइस को अपने टोन अप करें जिससे हमको वर्कआउट मिले हमारे काफ्स को वर्कआउट मिले हमारे हिप्स को वर्कआउट मिले एब्स को मिले तो वही प्रेशर हमने यहाँ पर फील किया है जी फील किया है सब बार हमने किया और फील किया और यूजुअली जब मैं लोगों को कराती हूँ सलमान जी तो हम कम से कम 30 या 40 एक बार में हम लोग साथ में करते हैं अंदाजा लगा सकते हैं कि उसका कितना प्रेशर होता होगा जी जब शीतल ने 10 बार करने के बाद ये एहसास किया कि 10 बार में हमें नहीं एहसास 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 मुझे भी हुआ मुझे भी इनफैक्ट एहसास हुआ इस बात क्योंकि बहुत इसलिए बहुत इफेक्टिव होता है देखने बहुत स्लो है तो हफ्ते में एक दिन जरूर इंक्लूड करें उसके साथ साथ ये होता है कि आपका अपनी बॉडी पे कंट्रोल आता है जी तो जब कई बार आप सिर्फ इसको ऐसे होल्ड करके रख सकते हैं और जी होल्ड करके रख सकते हैं तो रखें जितनी देर रख पाएं आपकी बॉडी काम कर रही है अलग एक्सरसाइज होगा जिसमें आप होल्ड करना है आपको लेकिन ये सिर्फ आप स्टेपिंग स्लोली स्लोली एक ये था हमने किया था दूसरा हमने आगे का पैर लेकर किया था वेरिएशन जी वो पैर सिंगल आप ट्राई करें आगे घुटने मोड़ कर ही आगे लेकर जाएंगे ये घुटने मेरे मुड़े हुए एंड देन आप एंड एंड ये घुटने मोड़े आप एंड गुड स्लोली स्लोली आप ये भी एटलीस्ट आप 10 करें 10 वो 10 ही तो आप अच्छा खासा थकान महसूस करेंगे एक वेरिएशन इसमें आप दे सकते हैं साइड साइड लिफ्ट अप करना साइड तो जो लोग कहते हैं उन्होंने थाइस टोन अप कर दी है तो आप इससे अपनी थाइस भी टोन अप कर सकते हैं साइड में लिफ्ट अप जी साइड में साइड तो ये शरीर के इन हिस्सों के लिए तो स्लो एक्सरसाइज हो सकती है इसमें और क्या वेरिएशन दिया जा सकता है जैसे कि कहा कि मैंने हम सारी स्लो एक्सरसाइज करेंगे इसको स्लो किस तरीके से अगर हम बेंडिंग भी करते हैं अगर आप बेंड भी करें तो यूजुअली हम लोग शीतल हम लोग क्या करते हैं जब इस तरीके से करते हैं जी इसमें जब आप बेंड होंगे तो आप बहुत आराम से हाथ को ऐसे ऊपर लेके जाए वो स्लोली 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 उसको आप बेंड बिल्कुल आराम आराम से बेंड होते रहिए वो स्ट्रेच मिल दीजिए अपनी बॉडी को स्लोली वेरी स्लोली जस्ट होल्ड करके बहुत आराम से आपको उतराना ये कम से कम 5 स्टार्टिंग में आप कर सकते हो बहुत स्लो जी जितना हो सके उतना हमको जितना शीतल मेंटेन है शीतल ने अगर ये एक्सरसाइज कर ली तो शायद दिखाई भी ना पड़े बहुत स्लो तो ये करना है जी अपने साइड में जिसके लिए हम साइड में वर्कआउट करते हैं तो जी एंड जस्ट होल्ड आप जब जिस उस एक्सरसाइज को कर रहे हो जब स्लो मोशन में जा रहे हो जहाँ पर आपको जोर देना है वहाँ पर अगर थोड़ा सा रुकते हैं आप तो जोर भी पड़ता है और आप बेहतर भी फील करते हैं तो एक थोड़ा सा होल्ड भी आप दे सकते हैं जितनी देर दें जोर देकर नहीं मतलब कोशिश बहुत जबरदस्ती ना करें जबरदस्ती कोशिश नहीं करनी और इसमें एक फ़ायदा ये भी होता है स्लो का कि जब आप फास्ट करते हैं तो आप इनकम्प्लीट मूवमेंट करते हैं सारे जब मैं फास्ट किया तो बस आपने इतना कर लिया आपने ठीक से किया जब व्हेन यू गो स्लो तो खुद को भी एहसास होता है एक एक चीज़ एक्यूरेटली परफेक्ट आपको भी लगता है कि एग्जैक्टली जी तो ये इसमें और क्या क्या कर सकते हैं सारी एक्सरसाइज आज हम स्लो वाली करने वाले हैं इनफैक्ट और हर एक चीज़ जैसे हमने ये स्ट्रेच भी किया तो वो हमने बिल्कुल स्लो किया एक एक इसी तरीके से हम अपने स्पेशली बेंचेस बेंच पे देखें हम एक्सरसाइज करेंगे जी तो आयुषा आज शीतल हमारे साथ में तो आप देख सकते हैं कि शीतल को हम सारे वर्कआउट ही कराने वाले हैं और जैसे कि तुमने कहा था कि आप 3 जो हमने वेरिएशंस दिखाए थे आपको आज तो उन वेरिएशंस को आप शुरुआत में 10 यानी कि 30 ओवरऑल जी 30 करें फिर नेक्स्ट टाइम जब आप करें तो 10 10 10 बढ़ा दें और उसके जी दैट मीन्स 20 20 20 60 करें आप हाँ उसकी
जो उसका स्टेप्स हैं वो बढ़ाते जाएं, आप उसके रिपीटेशंस को, रिपीटेशन आप 10 करते थे, 20 करें, 15 करें, 20 करें, आप थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाएं जी। और इसी तरीके से आप साइड ये जो बेंड हो रहे हैं साइड में भी आप आज जैसे आपने 5 और 5 किए थे, व्हेन यू डू नेक्स्ट टाइम गोइंग फॉरवर्ड इजीली आप 5 से 10 तक जा सकते हैं जी। तो ऐसा नहीं कि 5 किया तो अगले दिन 6 किया, नहीं, इसमें आप 5 किया तो अपने अब तक से आपको समझ, आप ये मत सोचिए कि मैंने कहा कि हफ्ते में एक दिन फास्ट वर्कआउट के को अलग रख के आप एक दिन ये वाला वर्कआउट करें तो इससे एक प्रॉपर एक आपकी बॉडी को ट्रोनिंग मिलेगी और एक प्रॉपर आपको पता चलेगा कि मूवमेंट जब आप करते हैं तो कैसी होनी चाहिए जी। दूसरा जो मूवमेंट था जो मैंने बस के लिए करेंगे उसमें अपने पैर को होल्ड करना है आपको, सिर्फ सिर्फ इसको होल्ड करना है, यूजुअली हम ये वाला वर्कआउट करें जी, तो इसमें सिर्फ इसको होल्ड करके रखना है, आप सपोर्ट लेकर भी अपने पैरों को होल्ड कर जी। लेट्स आप इस जो फिल्म में डालियाँ पकड़ के आप डालियों का पकड़ के यहाँ पर एक्सरसाइज करते थे सीखो, फिर इस होल्ड एंड डू दिस एक्सरसाइज करना है 5 to 10 सेकेंड, अगेन हिप जॉइंट टफ करना है, हिप जॉइंट भी यहाँ पर, तो प्लीज थोड़ा स्ट्रेट रखिए। ये काफी जोर पड़ रहा है इस पर कविता जी, सिर्फ आपको अपने पैरों को सिर्फ यहां पे हिप जॉइंट से आपको लिफ्ट अप करना है एंड सिर्फ होल्ड दिस, होल्ड इट, होल्ड होल्ड एंड टर्न्स के बाद स्लोली 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 ये पूरे पैर के निचले हिस्से तक एड़ियों तक बॉडी के लिए एट द सेम टाइम कोर ऑलवेज इन्वॉल्व होता है, तो आपके यहां पर भी आपको जोर पड़ेगा, इसलिए एक बार ट्राई करिए उस पर जोर देना है, इट्स वेरी इफेक्टिव स्पेशली आपके इसके लिए बस ही तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बहुत अच्छा एक आपको एक शेप मिलेगी ये जी जी, इसके एडवांस में हम आपको बताएंगे, जब जब एडवांस जाएंगे तो आप बहुत स्लोली स्लोली एडवांस में इस पूरा जाएंगे बैंक होंगे एंड देन गो बैक एंड देन स्लोली स्लोली आप एक अच्छा सा स्टेप देंगे, वो भी करेंगे हम आगे जी। अभी अभी के लिए इतना स्लो है तो और इसमें कौन कौन सी एक्सरसाइज को स्लो के धीमे करते हुए शरीर के अलग अलग अंगों पर उस पर काम किया जा सकता है, वो और कौन सी एक्सरसाइज? आज सारी एक्सरसाइज जो कि हम यूजुअली जो एक्सरसाइज करते हैं सारी वो सारी एक्सरसाइज हम करेंगे बट इन दी स्लो मैनर जी, तो हम रोज जो एक्सरसाइज करते हैं स्ट्रेच भी हम दे रहे थे तो वो स्ट्रेच शीतल है वो आप हमारे साथ वो सारी एक्सरसाइज आप देख सकते हैं, हम सारी एक्सरसाइज कर रहे हैं बट हम एक अच्छा सा एक बॉडी में आप एक थोड़ा सा बोलते हैं कई जो एक स्टिफनेस जैसा है कुछ तो आप फील कर सकते हैं इस पर करें, तो ये जो स्ट्रेच करेंगे वो भी बहुत स्लोली स्लोली स्ट्रेच करेंगे देन जस्ट होल्ड एंड देन जस्ट होल्ड ये आपने पूरा अपनी तरह से ट्रेनर बना दिया एक तरह से, सारी एक्सरसाइजेस करवा रही हैं, इससे बेहतर कि हमारे साथ गेस्ट हुआ करें तो सब बेहतर है, लेकिन आपके लिए सब जायज़ है और आप कर सकते हैं और आप ही के लिए किया जा रहा है, तो ये एक्सरसाइज इसको कितनी बार करना चाहिए एक बार आप पूरी करके बताएं। 15 जब हाफ लिफ्ट अप करें तो आपको ब्रीद आउट करना है प्रॉपर, एक पूरी बॉडी को यहाँ से स्ट्रेच मिलना चाहिए एंड वो ये कर ये नहीं पूरा ये बॉडी को यहाँ से पूरा ये स्ट्रेच आएगा बॉडी जी और आ रहा है शीतल ये पूरा खींचना चाहिए करें जी आ रहा है जी हाँ बहुत सारे आपके स्टेप्स तो इस तरह के जैसे वो डांस के लिए जैसे कल का आपका जी एक्चुअली डांस जो होता है सलमान जी स्पेशली जब वेस्टर्न डांस की बात करते हैं तो एक्सरसाइज में से ही बनाया हुआ डांस होता है मैक्सिमम यस, हम बहुत सारे अब जो स्टेप्स का हिसाब आप ये करते हैं दिस इज ये एक्सरसाइज है जो हम एथलेटिक्स में हम यूजुअली हम करते हैं जिसको आप ये सब डांसिंग में सब करते हैं इनफैक्ट जी करेक्ट, सो दिस आर द एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज सिर्फ वही वेस्टर्न क्यों, आप कथक वगैरह भी करते हैं आपके पैरों को जिस तरह से दिया था हाथों को पूरा वो दिया जाता है जो भी भरतनाट्यम कथक हमारी अपनी उड़ीसी को देखा जाए आप जितनी भी हमारे परंपरागत डांस फॉर्म्स हैं आप देखते हैं उसमें ये सब सारे स्टेप पाते हैं आप, लेकिन वो एक रिदम में होते हैं और एक्सरसाइज को आप रिदम में नहीं करते हैं, लेकिन अब एक्सरसाइज को भी हम आपको रिदम में करा रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से आप स्लो एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, तो धीमी एक्सरसाइज को एक बार खुद आप करके बताएं एक बार बहुत संक्षिप्त में जी, शुरुआत करेंगे जी, ये आपने से करनी है और देन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड फॉरवर्ड बैकवर्ड एंड
बहुत धीमे धीमे, आपका मुंह खुला होना चाहिए बिल्कुल, एंड शोल्डर्स एकदम रिलैक्स्ड हो, स्टेपिंग से शुरुआत करेंगे, स्टेपिंग स्लोली देन अप एंड स्लोली डू वन मोर टाइम फॉर यू, स्लोली अप एंड स्लोली 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 ये फर्स्ट वेरिएशन, सेकंड वेरिएशन में पैर आगे की तरफ से लेकर अप एंड स्लोली से डाउन जी, जी हमने कहा ना कि सिर्फ विदेशी नृत्य नहीं बल्कि हमारे देशी और जो परंपरागत हमारी कला है इसमें पता चलती है, और शीतल ने भी एक्सरसाइज करते करते कहा कि उसमें उन्हें डांस के स्टेप भी नज़र आ रहे हैं, तो वो कुछ इस तरह वाले में मार डाला। आप एक चीज़ नोटिस करेंगे शीतल, आपने महसूस किया होगा जब आप पैरों की एक्सरसाइज कर रहे हो, आपने धीरे धीरे लिफ्ट अप कर रहे हो तो आपको सांस चढ़ जाती है, उसका रीज़न यही होता है बिकॉज हमारे जो ये जो पोर्शन होता है इनफैक्ट ये जिस तरह लाइक कैंसर के बिग ग्रुप मसल है यहाँ पर हमारा है, तो उसको आप पूरी बॉडी वर्कआउट देता है वो, तो इसलिए आपको बहुत अच्छा वर्कआउट है अगर आप ये वर्कआउट कर रहे हो तो, फॉर वेट रिड्यूसिंग एज वेल। दूसरा हमने किया था पैरों को यहाँ पर आपको होल्ड करना है जी, यू 3 सेकंड 5 सेकंड जितने भी सेकंड सब होल्ड करने की आपकी कैपेसिटी पर है और बॉडी आपकी स्ट्रेट हो सिर्फ, वरना आप झुक गए और फिर आगे नहीं झुकने, झुकने वाला हमको बाद में के लिए मैंने कहा तो वो बाद में उस पर वो एक टेक्निक है, उस टेक्निक का प्रॉपर इस्तेमाल करें तभी करें। तो आज के लिए हमने एक फिल्मों में दिखाया जाने वाला स्लो मोशन और उस स्लो मोशन के ज़रिए आपको एक्सरसाइज कई वेराइटीज़ के साथ हम आपके साथ आ रहे हैं, कई चीज़ें आपको बताते जा रहे हैं। आज स्लो मोशन का मामला था, स्लो मोशन का से आपको सिखाया गया। फिलहाल आज जो कुछ आपने सीखा इसे ज़रूर आजमाएं, हफ्ते में एक दिन ज़रूर करें। और आज के लिए कैमरामैन सागर के साथ, शीतल और कविता जी के साथ मुझे भी दीजिए इजाज़त, हमारी पूरी टीम स्टे फिट स्टे हैप्पी की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, कुछ और नए तौर तरीकों के साथ कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए नुस्खे लेकर, नई टिप्स लेकर। फिलहाल हम सबको इजाज़त दीजिए, इसके बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए 11 न्यूज़।